नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में स्क्रैप सेंटर के आवेदन की तारीख बढ़ी। बिहार में खुलेगा राज्य का पहला फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिहार आने के लिए रेलवे चला रहा 6 और होली स्पेशल ट्रेन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर खुलेगा बिहार में 8 कॉलेज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीओबी ने 500 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में एक्विजिशन ऑफिसर के कुल मिलाकर 300 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 14 मार्च 2023 तक। ऐसे में आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर कैरियर सेक्शन में लिंक में जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि एक्विजिशन ऑफिसर की भर्ती संविदा के आधार पर देश भर के विभिन्न शहरों में की जानी है। इन शहरों में वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, दिल्ली, पटना आदि शामिल है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए 1,20,62,00,000 रूपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24-25-26 तक के लिए 37 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका से बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे अभिषेक पुष्करणी के बारे में। यह स्थान वैशाली गणराज्य के द्वारा बनवाया गया एक प्राचीन सरोवर है। यह वैशाली संग्रहालय के सामने स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह सरोवर लगभग 2,500 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि वैशाली गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित किया जाता था, तब इसी सरोवर के किनारे पर उस शासक का राज्य अभिषेक कराया जाता था। यही कारण है कि इस स्थान को अभिषेक पुष्करणी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल के महान लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपने उपन्यास सिंह सेनापति में इस स्थान का बढ़ा चढ़ा कर उल्लेख किया है। यह स्थान बारिश के मौसम में काफी अच्छा दिखता है और इसी मौसम में इस स्थान को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। अंग्रेजी में इस स्थान को कोरोनेशन टैंक नाम से भी जाना जाता है। बिहार में स्क्रैप सेंटर के आवेदन की तारीख बढ़ी। राज्य में 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने की दिशा में परिवहन विभाग के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। बता दें कि परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए आवेदन की भी तारीख को बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक बिहार के जिन जिलों में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है, उनमें पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा जिला शामिल है। बता दें कि स्क्रैपिंग सेंटर के खुल जाने से लोग सेंटर पर अपनी पुरानी और अनफिट व्हीकल को बेच सकेंगे। इस दौरान उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में उन्हें छूट दी जाएगी। बिहार में खुलेगा राज्य का पहला फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब बिहार के लोगों को फिल्मों के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बिहार छोड़कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ओर नहीं जाना होगा। बता दें कि बहुत जल्द ही बिहार में भी राज्य का पहला फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जिसमें भारत के बेस्ट एक्टिंग स्कूल पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस विषय से जुड़ी सभी बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस बारे में कला संस्कृति विभाग के अधिकारी के अनुसार आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, बिहार फिल्म विकास निगम और पुणे FITI के बीच अप्रैल माह में समझौता होने की उम्मीद है। इसके बाद इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की जाएगी, जिसमें एक कोर्स में 40 सीटें हो सकती है। यहां से ट्रेनिंग लेने वालों को बिहार में बनने वाली फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। बिहार में
है बेरोजगारों पर खान सर का बयान। बीते दिन मशहूर शिक्षक खान सर ने एबीपी नेटवर्क के दो दिवसीय कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 में कई मुद्दों को लेकर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन के कई कारण हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ा जा सकता है। एजुकेशन लोग कहीं भी जाएंगे तो अपना रास्ता बना लेंगे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मैं उनके स्कूल के लिए धब्बा बन जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि चांद फेमस है धब्बा के लिए। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में बेरोजगार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी होना इसके पीछे कई कारण है, लेकिन उसके पीछे भागना यह कोई मतलब नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। इसके अलावा पॉपुलेशन होने से गरीबी ज्यादा हो गई है। यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। इसके साथ ही यहाँ बाढ़ की भी बहुत समस्या है, जिस वजह से बिहार काफी पीछे रह गया। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे मेटल डिटेक्टर के द्वारा नहीं पकड़ा गया है। शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर रिटर्न देता है। बिहार आने के लिए रेलवे चला रहा 6 और होली स्पेशल ट्रेन। होली आने वाली है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर आने की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि इस बार होली में यात्रियों को अपने घर आने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की ओर से बिहार आने वाले लोगों के लिए 6 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी रेलवे के द्वारा 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की घोषणा की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 6 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जाएगी उनमें गाड़ी संख्या 02191 02192 जबलपुर दानापुर सुपर फास्ट होली स्पेशल ट्रेन 6 मार्च से, गाड़ी संख्या 02155-02156 रानी कमलावती दानापुर होली सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन 5 मार्च से, गाड़ी संख्या 09817/09818 कोटा दानापुर कोटा होली स्पेशल ट्रेन 4 मार्च से, गाड़ी संख्या 01123/01124 पुणे दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन 4 मार्च से, गाड़ी संख्या 01043/01044 लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन 2 मार्च से, और गाड़ी संख्या 09011/09012 वलसाड मालदा टाउन वलसाड स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 2 मार्च से हो रही है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अविनाश तिवारी के बारे में। अविनाश तिवारी एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों और श्रृंखलाओं में काम करते हैं। उन्होंने 2014 में टेलीविजन श्रृंखला युद्ध के साथ अपना करियर शुरू किया और फिल्म तू है मेरा संडे में उन्हें पहली फिल्म भूमिका मिली। उन्होंने रोमांस लैला मजनू और अलौकिक थ्रिलर फिल्म बुलबुल में अपने काम के लिए पहचान हासिल की। 2022 में अविनाश तिवारी ने नेटफ्लिक्स अपराध श्रृंखला खाकी द बिहार चैप्टर में अभिनय किया। उन्होंने मुंबई में स्कूल और इंजीनियरिंग पूरी की। एक्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 4th सेमेस्टर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर थिएटर ज्वाइन कर लिया। वह बैरी जॉन के अभिनय स्टूडियो में शामिल हो गए और बाद में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी गए। उन्होंने 2005 से लघु फिल्मों में दिखना शुरू किया। अविनाश तिवारी को 2020 में द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन में 49वें स्थान पर रखा गया था। नहीं लगी शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर नहीं लगाई गई। जबकि शिक्षा मंत्री के द्वारा मीटिंग के 24 घंटे पहले ही ट्वीट कर यह दावा किया गया था कि बहुत जल्दी बिहार में शिक्षकों की भर्ती होगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि 7th फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है हम उस पर कायम है और उसे पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो उनके दावे पर मुहर नहीं लगाया गया। बिहार में इस दिन से शुरू होगी ई स्टाम्प की बिक्री। बहुत जल्दी बिहार में नागपुर के प्रेस से कागज पर प्रिंट होकर आने वाले स्टाम्प पेपर यानी कि कागजी स्टाम्पों की बिक्री बंद हो जाएगी। इससे सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा और साथ ही नकली स्टाम्प पेपर की बिक्री पर भी रोक लगाया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ ही अब बिहार में ई स्टाम्प की शुरुआत होने वाली है, जिसकी सुविधा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग बनाए जाने वाले नए सॉफ्टवेयर में उपलब्ध करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में बहुत जल्द ही हाई फीचर सिक्योरिटी के साथ ई स्टाम्प पेपर निकालने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल निबंधन कार्यालय में मिलने वाले ई स्टाम्प में सिक्योरिटी फीचर कम है। वहीं कागजी स्टाम्प के बंद होने से आम लोगों को सहूलियत मिलने के साथ साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार के विभिन्न जिलों में लगने वाले रोजगार मेला के नियमों में होगा बदलाव।
बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके और उनसे वह नियमित कर सके, इसके लिए बिहार के विभिन्न जिलों में लगने वाले रोजगार व नियोजन मेला के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसलिए श्रम संसाधन विभाग के मंत्री के द्वारा अधिकारियों से सुझाव भी मांगा गया है। दरअसल विभाग को लगातार यह शिकायतें सुनने को मिल रही है कि जॉब कैंप में जिन अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाती है उनके साथ धोखाधड़ी और शोषण होता है, जिस वजह से विभाग के द्वारा पूरा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उस डाटाबेस की समीक्षा कर यह पता किया जा सके कि रोजगार पाने वाले कितने लोग काम कर रहे हैं या किस कारण से उन्होंने काम छोड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने की 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली रद्द। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों के बहाली को चुनौती देने वाली डॉक्टर अमोद प्रबोध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 2020 में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन पदों पर बहाली के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाए और आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि इस निर्णय से अरबी, फारसी व अन्य विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसे 10 जनवरी 2023 को पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा गया था। बिस्मिल्लाह खां के नाम पर खुलेगा बिहार में 8 कॉलेज। बहुत जल्दी बिहार में विश्व प्रसिद्ध सहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर कला महाविद्यालय खुलने वाला है। इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। बता दें कि यह कला महाविद्यालय बिहार के बक्सर में डुमराव शहर में खुलेगा। बीते दिन जिलाधिकारी अमन समीर व डुमराव विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्थल चयन सहित अन्य पहलुओं पर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के द्वारा कला महाविद्यालय शुरू करने का निर्देश दिया जा चुका है। इस विद्यालय को लेकर डुमराव विधायक अजीत कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए यह बताया गया है कि स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही कला महाविद्यालय खुल जाएगा। इस विद्यालय के खुलने से केवल डुमराव के लोगों को नहीं बल्कि पूरे बिहार में कला क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा दशकों से मांग की जा रही थी कि बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली पर उनके सम्मान में कला महाविद्यालय का निर्माण किया जाए। गर्लफ्रेंड की वजह से अमरजीत बने सिंगर। इन दिनों सोशल मीडिया पर बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अमरजीत अपने गानों को लेकर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि अमरजीत अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं। दरअसल एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि कुछ समय पहले वह डिप्रेशन में चले गए थे। इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड ने ही उनका सपोर्ट किया। जिस गिटार से वह अपने गाने की प्रैक्टिस करते हैं वह गिटार भी उनकी गर्लफ्रेंड ने ही दी थी जब उनसे फेसबुक पर मिली थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। उनका कहना है कि उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और गाने के लिए प्रेरित किया। बीपीएससी पेपर लीक आरोपी भ्रष्ट बीडीओ बर्खास्त। 5 साल पहले पटना जिले के घोषवाड़ी प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को निगरानी ब्यूरो के द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ महीनों में जेल से छूटने के बाद सेटिंग के बदौलत फिर से फील्ड पोस्टिंग पा ली थी। 2022 में जयवर्धन गुप्ता बतौर बीडीओ भोजपुर के बरहड़ा में पदस्थापित था। वहीं इस बीपीएससी की परीक्षा केंद्र का सेंटर मजिस्ट्रेट बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयवर्धन के ऊपर बीपीएससी पेपर लीक कराने का इल्जाम भी लगा हुआ है, जिसके बाद बीते दिन नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में जयवर्धन गुप्ता को 24 फरवरी को घोषवाड़ी में रिश्वत लेने में गिरफ्तारी व अन्य मामलों को लेकर बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी गई। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर बिहार बोर्ड का फरमान। बिहार बोर्ड के द्वारा उन शिक्षकों के लिए फरमान जारी किया गया है जो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के बाद इसके मूल्यांकन कार्य में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है कि मूल्यांकन के लिए योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों पर बिहार बोर्ड की ओर से बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की माने तो परीक्षकों को 28 फरवरी को योगदान कर लेना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य की शुरुआत 1 मार्च से होने वाली है जो कि 12 मार्च तक चलेगी। इसके लिए 27,000 परीक्षकों को लगाया गया है ताकि समय पर मूल्यांकन कार्य पूरा किया जा सके। बिहार में बढ़ने लगी गर्मी, जाने मौसम का मिजाज।
बिहार में बीते 24 घंटे में मौसम साफ रहा है। मौसम विभाग द्वारा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी राज्य का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि राज्य में सुबह शाम थोड़ा ठंड का असर लोगों को महसूस हो रहा है। राज्य में लोगों को गर्मी एकदम से सताने लगी है, जिससे लोग काफी परेशान हो गए। पटना मौसम विज्ञान के अनुसार फिलहाल अभी राज्य के मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हर दिन मौसम साफ रहेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं अभी फिलहाल कहीं भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं पटना मौसम विज्ञान ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत आज तापमान अधिक रहने की संभावना है। 2 मार्च तक खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। राज्य के वैसे लोग जिन्हें अब तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत फाइलेरिया रोधी दवा नहीं खिलाई गई है, उन्हें 2 मार्च तक मॉपअप राउंड में दवा खिलाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइलेरिया रोधी दवा राज्य के 24 जिलों में 10 फरवरी से खिलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के करीब 7.5 करोड़ लोगों को यह दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि इस अभियान की शुरुआत तेजस्वी यादव के द्वारा फाइलेरिया रोधी दवा को खाकर की गई थी। बता दें कि यह अभियान जिन जिलों में चल रहा है उनमें बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, सिवान, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली जिला शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को अपने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि बीते 20 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाराज होकर अपने इस्तीफा दे दी थी और साथ ही अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को भी बनाने का ऐलान किया था। वहीं बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि उन्होंने तो इस्तीफे की घोषणा उसी दिन कर दी थी, लेकिन कुछ औपचारिकता बची थी। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने संपर्क किया तब उस समय वह बाहर थे, फिर आज का वक्त तय हुआ और उसके अनुसार हमने आज इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें अपना जमीर बेचकर अमीर नहीं बनना है। अमित शाह आज करेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार का संखनाद। आज की तारीख महागठबंधन और बीजेपी नेताओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दरअसल एक तरफ जहां आज महागठबंधन के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर महारैली की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा चुनाव प्रचार का संखनाद करते हुए बिहार में एक दिन में बैक टू बैक 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वहीं अमित शाह के आगमन को लेकर बिहार की राजधानी पटना में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि सबसे पहले अमित शाह आज 11 बजे वाल्मीकि नगर में रैली को संबोधित करेंगे और फिर बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में होने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम में वहां मौजूद बड़ी संख्या में किसान एवं मजदूरों को संबोधित करेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर पटना हवाई अड्डे से बापू सभागार तक 20,000 झंडे लगाए गए हैं, जबकि 15 जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही उनके आगमन को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है और इस दौरान इमरजेंसी सेवा बरकरार रहेगी। सेना पर विवादित टिप्पणी करने वाले सुरेंद्र यादव आए बैकफुट पर। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को कटिहार के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव के द्वारा सेना पर कथित विवादित टिप्पणी करने को लेकर अपनी सफाई दी। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए मीडिया पर ही आरोप लगा दिया और कहा कि मीडिया के द्वारा ही उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह खुद बचपन में सेना में जाना चाहते थे पर ऐसा नहीं हो सका और आज के समय में उनके परिवार के भी कई लोग सेना में हैं। उनका पूरा परिवार सेना का सम्मान करता है। उनकी मंशा किसी भी तरह से सेना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना के प्रति कोई असम्मानजनक बातें नहीं कही थी। उन्होंने बस अग्निवीर योजना पर सवाल खड़ा किया था। अग्निवीर में 4 साल की नौकरी को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विनोद कांबली को पीछे छोड़ा। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने विनोद कांबली के 29 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अभी तक 9 पारियों में यह ब्रुक का 4th शतक है और इस शतक के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली के नाम था, लेकिन गुरुवार को इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने कांबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ब्रुक नाबाद 184 रन बनाकर लौटे। इस पारी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट की पहली 9 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। टेस्ट क्रिकेट की पहली 9 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रुक से पहले विनोद कांबली के नाम था। कांबली ने अपनी पहली 9 पारियों में 2 दोहरे शतक और इतने ही शतक के बदौलत कुल 798 रन बनाए थे, लेकिन ब्रुक के नाम इस पारी के बाद 807 रन हो गए हैं। भारत
के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। अकबर के दरबारी कवि बिरबल 1586 में विद्रोही यूसुफ जई के साथ एक लड़ाई में मारे गए। 1962 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का 1988 में सफल प्रक्षेपण हुआ। भारत के साथ रूस की निचली संसद ड्यूमा द्वारा 2000 में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन हुआ। दीपा मेहता की फिल्म वाटर को 2006 में गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब व HDFC के विलय के लिए 2008 में शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई। IPL टूर्नामेंट के निदेशक के रूप में 2009 में पूर्व सैन्य अधिकारी धीरज मल्होत्रा नियुक्त हुए। 1897 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का जन्म हुआ। हंसराज खन्ना भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का 2008 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे बिलो को अपडेट करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिलो को अपडेट करने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ग्राहकों को अपने बिलो को अपडेट करने की जरूरत है ताकि कनेक्शन कटने से बचा जा सके, जो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किया जा सकता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह एक घोटाला है। यह नोटिस @MenOfPower द्वारा जारी नहीं किया गया है। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। YouTube पर ऐसे बनाए खुद का रेडियो चैनल। Google की वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा YouTube भारत में काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब YouTube Music ने अपने ऐप के लिए क्रिएट रेडियो सुविधा की घोषणा की है, जो यूजर्स को सॉन्ग आर्टिस्ट के आधार पर पर्सनलाइज्ड रेडियो चैनल बनाने देगी। बता दें कि यह फीचर अपने लेटेस्ट अपडेट के साथ ऐप पर लाइव है। अगर आप भी खुद का रेडियो चैनल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको YouTube Music ऐप खोले और क्रिएट रेडियो बटन खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। इसे योर म्यूजिक ट्यूनर के रूप में लेबल किया जाएगा। अब आपको अगली विंडो में कलाकारों की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। आप अपने रेडियो को क्यूरेट करने के लिए अधिकतम 30 आर्टिस्ट को चुन सकते हैं। एक बार जब आप आर्टिस्ट का चयन कर लेते हैं तो अगली विंडो में आपको सॉन्ग गाने चुनने की जरूरत होगी। आप अपने रेडियो चैनल में पॉप अप करने वाले चुने हुए आर्टिस्ट की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए फैमिलियर, ब्लेड या डिस्कवर के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग कैटेगरी के फिल्टर भी जोड़ सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार ठाकुर, कुश कुमार यादव, रवि रंजन, अतीक खान, मृत्युंजय कुमार, श्वेता रॉय, सदुल्लाह पलवी, मुटुर रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, सूरज कुमार, सरिता कुमारी, पवन सिंह, सोनू कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, भान प्रकाश मौर्य। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण क्या क्या है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।